आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को गुरु पूरब की हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, हम प्रेस वार्ता का विधिवत आरंभ करें उससे पहले हमारे सेवा दल के महासचिव श्री कृष्णकांत पांडे जी का आज भारत जोड़ो यात्रा के तहत वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका आकस्मिक निधन हुआ। उसके लिए हम सभी उनके परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। और ख़ास बात ये रही कि श्री पांडे जी ने अंतिम समय तक भारत का तिरंगा अपने हाथ में रखा था। इस बात का कांग्रेस, कांग्रेस के परिवार और श्री कृष्णकांत पांडे जी के परिवार को जरूर अभिमान रहेगा। पर ये एक बहुत दुख का समाचार था। पूरा कांग्रेस परिवार इस समय श्री पांडे जी के परिवार के साथ खड़ा है। साथियों, 8 नवंबर 2016 याद होगा आपको। मित्रों, रात्रि के 8 बजे वो शब्द हमारे जहन में यहाँ तक बैठा हुआ है कि कोई वास्तव में हमें मित्र बोलता है तो रूह कांप जाती है। भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का आज की 6ठी बरसी है। ये नोटबंदी की 6ठी बरसी नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारत की विकास यात्रा को, भारत के रोजगार की यात्रा को, भारत के नौजवानों के सपनों को नष्ट करने का आज 6ठी बरसी है। आज उसकी 6ठी पुण्यतिथि है। और पिछले 6 साल में जब से नोटबंदी हुई उसके बाद 50-100 दिनों के बाद सरकार ने इसका नाम तक नहीं लिया है, पर उसका दुष्परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। पूरा डाटा लेके आया हूँ, एक एक आंकड़े पे बात करूँगा और फिर हमारे कुछ प्रश्न हैं जो महामहिम प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी, तो कोई बात नहीं, अब उनको पता ही नहीं क्या हो, तो कहती मैं तो नोट प्रयोग में ही नहीं लाती, कोई और ही मेरे लिए नोट खर्च करते हैं इसलिए मुझे नहीं पता। पर प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल पूछे जाएंगे आज। साथियों, हिंदुस्तान की आज़ाद, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज लूट 6-7 नवंबर 2016 को नोटबंदी के द्वारा, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के द्वारा भारत सरकार द्वारा की गई। इससे बड़ी ऑर्गेनाइज लूट 8 नवंबर 2016 के अलावा कोई, इससे बड़ी ऑर्गेनाइज लूट देश में कभी नहीं हुई। दिस इज ए लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज लूट ऑफ आवर कंट्री। ये हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला दिन है। जैसे 1991 का एक दिन था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में खड़े होकर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करी थी। उस दिन को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सुनहरे अक्षर में देखा जाता है जिससे पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई, नई मिडिल क्लास का जन्म हुआ। वैसे के वैसे 8 नवंबर 2016 का दिन भारत की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने का दिन था। शुरुआत हुई कैशलेस से, फिर आए लैश कैश पे, और हालात ये है, मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूँ, हालात ये है कि पिछले छः सालों में जो अर्थव्यवस्था में कैश इन सर्कुलेशन है वो 72% बढ़ा है, 72% जंप है। 2016 में कैश सर्कुलेशन था अर्थव्यवस्था में 17.97 लाख करोड़, जो आज 30.88 लाख करोड़ हुआ। तो कैशलेस से लैश कैश होते होते कैश इन सर्कुलेशन 72% पिछले 6 सालों में बढ़ा है। फिर बात करी साहब, ब्लैक मनी आएगी। 2021 का स्विस बैंक का आंकड़ा है, 2021 में स्विस बैंक ने माना कि भारतीयों का स्विस बैंक में पिछले 14 साल का हाईएस्ट पैसा आज है,
30,500 करोड़ रुपया स्विस बैंकों में पड़ा है। ये भी सर आंकड़ा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, ये स्विस बैंक का आंकड़ा है कि भारतीयों का पैसा 14 साल के हाईएस्ट स्तर पर है। तो लेस कैश, कैश लेस, और वास्तविकता क्या, 72% ज्यादा कैश। फिर ब्लैक मनी की बात हुई, 14 साल के हाईएस्ट अमाउंट है भारतीयों का पैसा स्विस बैंक के अंदर। 15 लाख वाली बात नहीं दोहराऊंगा, उससे वो आज उनको उस पर हम मैं नहीं लेके जाऊंगा। फिर बोला गया करप्शन पे फाइट, अगेंस्ट करप्शन, करप्शन इंडेक्स जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, 2016 में भारत की रैंक थी 79, आज 2021 में 85। अब एक एक ऑब्जेक्टिव पे आ रहा हूँ, लेस कैश, कैश लेस से 72% ज्यादा कैश, ब्लैक मनी 14 साल के हाईएस्ट पैसा स्विस बैंकों में भारतीयों का, फाइटिंग करप्शन का जो 79वीं रैंकिंग थी दुनिया में भारत की, वो आज 85 है, इंडियाज करप्शन रैंक एज पर द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। फिर फेक नोट्स, फेक करेंसी, रिजर्व बैंक का आंकड़ा है साथियों, मेरा आंकड़ा नहीं है, रिजर्व बैंक ने माना कि 2021-22 में जो फेक करेंसी है वो 500 डिनोमिनेशन के जो नोट्स हैं वो 102% की बढ़त हुई, और 2000 के नोट में फेक करेंसी में 55% की बढ़त हुई 2021-22 में। ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, 2021-22 में 500 के नोट की फेक करेंसी में 102% की वृद्धि और 2000 के नोट में 55% की वृद्धि, मेरा आंकड़ा नहीं है। फिर बात किया टेरर फंडिंग को हम कर्ब करेंगे, भारत सरकार का ये आंकड़ा दे रहा हूँ, जो भारत सरकार ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर काउंटर टेररिज्म कमिटी को दिया कि 2021 की तुलना में जो जम्मू कश्मीर में जो टेरर एक्टिविटीज़ के जो कैंप है, जो टेरर कैंप है, जो 2021 में 150 थे वो 2021-22 में 150 से बढ़ के 225 हो गए। टेरर 150 से 225, फेक करेंसी 500 की फेक करेंसी में 102% इजाफा, 2000 के नोट में 55% इजाफा, करप्शन की रैंकिंग जो 79 थी 2016 में वो 2021 में हो गई घट के 85। ब्लैक मनी 14 साल के हाईएस्ट अमाउंट है स्विस बैंकों में 30,500 करोड़ रुपया, और कैशलेस, लेस कैश करते करते जो मनी इन सर्कुलेशन है आज इकोनॉमी में उसमें 72% का इजाफा। और साथियों एक पिंक कलर का 2000 का नोट था, आपको सबको याद होगा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, पिछले 6 महीने में वो नोट किसी ने देखा है? मैंने नहीं देखा और मुझे पक्का पता आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जो ब्लैक मनी रखने वाले जो लोग हैं जिनको सरकार चाहती थी ब्लैक मनी रखे उनके पास पहुंच गया, वो हमारे पास नहीं है। और उसका आंकड़ा भी लेके आया हूं, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा है, 2000 की डिनोमिनेशन के 214 करोड़ नोट है, 214 करोड़ नोट्स हैं 2000 की डिनोमिनेशन के, अर्थात 2000 की करेंसी में लगभग 4.28 लाख करोड़ रुपया है। कहाँ है? मध्यम आय वर्गीय परिवार ने देखा, बैंकों ने देखा, निम्न आय वर्गीय परिवारों ने देखा। एक तरह से उस 2000 के नोट से तो आपने जो ब्लैक मनी है, जो करप्शन है, उसको फैसिलिटेट किया है, बिकॉज देर इज ईज ऑफ ट्रांसफर। तो इन 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 इनके मद्देनजर हम कुछ इश्यूज पे और कुछ डाटा पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। 2016-17 में भारत की जी, और ये सारा सरकारी आंकड़ा है, 16-17 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट थी 8.3%, 8.3%, हंसती खेलती अर्थव्यवस्था, नौकरियां मिल रही थी, क्योंकि यूपीए 2 ने एक ऐसा रोबस्ट इकोनॉमिक मॉडल मोदी जी को दिया जिसका फायदा उन्हें मिल रहा था। 8.3% 16-17 में ही नोटबंदी होती है, 17-18 में ये जो ग्रोथ रेट है वो 8.3 से घट के हो जाती है 7%, 18-19 में वो 7% से घट के हो जाती है 6.1%,
19-20 में वो 6.1 से घट के हो जाती है 4.2%, 20-21 में वो 4.2 से घट के हो जाती है -6.6%। ये विकास यात्रा है मोदी जी की। मोदी जी, नोटबंदी के बाद एक साल भी ऐसा नहीं रहा जब जीडीपी की ग्रोथ में इजाफा हुआ। हाँ, मौजूदा वित्तीय वर्ष 21-22 में 8.7% जीडीपी ग्रोथ हुई, और उसका कारण सिर्फ लो बेस है, उसका कारण कोई इकोनॉमी नहीं है, क्योंकि आपने पहले इकोनॉमी श्रिंक करी -6.6 से, उसके ऊपर आपने जीडीपी ग्रोथ किया। तो आप कौन सा ऑब्जेक्टिव नोटबंदी ने पूरा किया? क्या फेक करेंसी का, क्या काउंटरिंग टेररिज्म का, क्या ब्लैक मनी का, क्या फाइटिंग करप्शन का, क्या डिजिटाइजेशन और लेस कैश कैशलेस का, क्या कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ? ये सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था 50 दिन के बाद अगर कुछ मैं स्थितियां नहीं संभाल पाया तो आप जो चाहे वो कर, हमें कुछ नहीं करना। हमें मोदी जी को कुछ भी अपशब्द नहीं बोलना, वो भारत के प्रधानमंत्री है, हमें कोई कोड़े भी नहीं मानने। उन्होंने कहा था मुझे जिस चौराहे पे बुलाओगे वहां आ जाऊंगा, नहीं बुलाना मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हो, हमें कोई चौराहे पे नहीं बुलाना। पर एक वाइट पेपर तो निकाल के बोलो कि 6 साल में नोटबंदी ने देश को क्या दिया, क्या पाया। अगर ये जो मैंने एक तथ्य भी इसमें 0.01% भी गलत बोला है मोदी जी, तो आप मुझे जिस चौराहे पे बुलाओगे मैं आऊंगा कोड़े खाने। पर कम से कम बताओ तो सही कि आपने क्या पाया, क्या इस नोटबंदी से क्या देश ने पाया? क्यों आपका कोई मंत्री, आपकी सरकार का कोई नुमाइंदा नोटबंदी तक का नाम नहीं लेता? अरे इंडिया गेट पे आपने तो मेला लगाया था पहले साल में। हम आज इंडिया गेट पे जाके उस मेले में शरीक होना चाहते हैं, क्योंकि उस मेले के कारण, आपके गलत निर्णय के कारण, भारत की जो बेरोजगारी की दर है वो आज भी 7.7% पर है। आपने पूरे डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील कर दिया। ये एक ऐसा निर्णय है, मैं आपको कहता हूं अभी तक एमएसएमई उस निर्णय के प्रकोप से बाहर नहीं आ पाया। अभी तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की रूह कांप जाती है जब वो सोचता है कि ये आज रात 8 बजे, अगर किसी को डराना हो तो सोते हुए आदमी को बोलो आज रात 8 बजे, वो अचानक से जग जाता, यकीन मानो आप। ये इतना खौफ है लोगों के मन में इस निर्णय का, लोगों की नौकरियां गई है, लोग सड़क पर आ गए। मित्रों नाम से ऐसा लगता है जैसे कोई, मतलब एक शरीर में एकदम घबराहट के मारे आदमी खड़ा हो जाता है मित्रों नाम सुनते ही। आज उस निर्णय का कोई आप बात करने वाला नहीं। हमें कोड़े नहीं मारने मोदी जी, हमारी पहली मांग है वी वॉन्ट ए वाइट पेपर। हम एक श्वेत पत्र की मांग करते हैं जिसमें पिछले 6 साल में नोटबंदी ने क्या पाया और क्या खोया। हम तो सिर्फ खोया ही खोया दिख रहा है। आपने रोज गोल पोस्ट चेंज किया, पर गोल पोस्ट चेंज करने के बावजूद एक भी गोल पोस्ट पे डाटा आपकी बातों को सपोर्ट नहीं कर रहा। हाँ, एक जो है जीडीपी लगातार गिरी, देश की एमएसएमई खत्म हो चुकी है, देश की अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आपने खत्म कर दिया है, देश में बेरोजगारी लगातार 7% के ऊपर बनी हुई है, जो कल सीएमआईई का आंकड़ा है उसके अनुसार 7.7% पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो 2011-12 में 2% हुआ करती थी, 2%, आज उससे 400% ज्यादा, 400% जब। तो हमारा पहली मांग है वाइट पेपर ऑन डिमोनेटाइजेशन। दूसरी मांग, मोदी जी, मन की बात करने की आपकी बहुत इच्छा होती है, पर देश के लोगों की मन की बात यह है कि आप एक मन की बात नोटबंदी के ऊपर करो, और आज रात को 8 बजे ही करो, ताकि हम सबको याद आए 150 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी साथियों, more than 150 people, और मैं कहूंगा ये मर्डर है, मर्डर। लोग लाइनों में खड़े होके मरे थे, 150 people died। तो मोदी जी, आज रात को 8 बजे आइए टीवी पर, हम भी देखें आपको टीवी पर, और बताइए कि इस नोटबंदी से हमने क्या पाया, और देश को ये बताइए कि आप इसको अपना एपिक फेलियर मानते हैं, क्या आप इसको आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे खराब दिन मान, इससे खराब दिन नहीं हो सकता हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद, कोई नहीं हुआ जिसने देश के
इकोनॉमी को नष्ट कर दिया, परिवारों को सड़क पे ले आए, मिडिल इनकम ग्रुप को लोअर इनकम ग्रुप में पहुंचा दिया, जो लोअर इनकम ग्रुप में थे उनको बीपीएल कर दिया। इससे खराब दिन क्या हो सकता है? आप अपने इस निर्णय के लिए क्या देश से माफी मांगेंगे मोदी जी? आइए आज रात को 8 बजे मन की बात कीजिए और या तो इसकी उपलब्धियां बताइए या देश से माफी मांगिए। तीसरा, और ये पॉजिटिव सवाल है मोदी जी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एमएसएमई खत्म हो चुका है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, भारतीय रोजगार की रीढ़ की हड्डी अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एमएसएमई है। उसको जो इस नोटबंदी से सबसे ज्यादा हिट हुआ, उसको वापस रिवाइव करने के लिए आपका क्या प्लान है? देश के सामने वो रखिए, ये पॉजिटिव सवाल है। चौथा, मोदी जी, व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्लान? आपकी रोजगार वृद्धि का क्या प्लान है? रोजगार को नष्ट करने का प्लान तो आपने 8 नवंबर 2016 को कर दिया था, जिससे आज भी बेरोजगारी की दर 7.7% है। आप इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर होने से कैसे बचाएंगे, इसके प्लान के बारे में अवगत कराइए। तो दीज आर 4 questions वी आर आस्किंग ऑन पुण्यतिथि ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैं नोटबंदी नहीं बोलूंगा, भारतीय अर्थव्यवस्था और जीडीपी का आंकड़ा है। उसके बाद जीडीपी कभी भी ग्रो नहीं कर पाई। 8.3% की जीडीपी ग्रोथ को मोदी जी ने कोरोना के पहले 4.2 पे लिया है और कोरोना के दौरान -6.6% पर लिया है। बिफोर आई टेक क्वेश्चंस, आई विल ब्रीफ यू इन इंग्लिश। वो भी बता दें। I will. Demonetization. मित्रों, it is 6 years as independent India's greatest organized loot. And it was started with cashless to less cash to 72% jump in cash in last 6 years. Because cash in circulation today is 30.88 lakh crore, which was in 2016 November, it was 17.97 lakh crore. So you started with cashless to less cash to 72% jump in the cash in the economy. Second, 2000 denomination notes. The number of bank notes of rupees 2000 denomination has declined and now it is 214 crore note hai circulation mein 2000 ke, jiski value 4.28 lakh crore rupiah hai. Modi ji, where is these notes? Ye note kin ke paas hai? 4.25 lakh crore ki note kin ke paas hai? Aapne dekhe, maine dekhe, aur aapko mile, mujhe darshan jarur karaiyega kisi ke paas ho, kyunki maine pichle 3 saal mein nahi dekhe 2000 currency ke note, जिनकी वैल्यू 4.25 लाख और प्रिसाइसली 4.28 लाख करोड़ रुपया है, और जिनकी टोटल जो नोट्स के नंबर्स हैं वो 214 करोड़। नंबर थ्री, यू गेव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लैक मनी, कंट्रोलिंग ब्लैक मनी। एज पर द स्विस बैंक्स, द मनी ऑफ इंडियंस इन स्विस बैंक इज एट 14-year हाईएस्ट एंड विच इज राइट नाउ 30,500 करोड़ रुपीज। स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 14 साल के अधिकतम स्तर पर। फोर्थ, यू गेव ए फोर्थ ऑब्जेक्ट, बिकॉज एवरी डे यू यूज टू चेंज द गोल पोस्ट। द फोर्थ गोल पोस्ट, फाइटिंग करप्शन। इंडियाज करप्शन रैंक वॉज 85 इन 2021, विच वॉज 79 इन 2016। सो आवर करप्शन रैंकिंग इज ऑल्सो डेटेरियोटेड। द मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीज, द ब्लैक मनी इन स्विस बैंक हैड इंक्रीज। Now coming to the fake notes, fake currency. As per Reserve Bank of India's report, the 500 denomination fake notes in 21-22 rose by 102% and 2000 denomination notes increased by 55%. As per Reserve Bank of India, counterfeit notes recorded a 10.7% uptick in 2021-22 in total, with 500 denomination fake notes rising by 102%.
500 के नोट 21-22 में नकली नोट पिछले साल की तुलना में 102% बढ़े हैं। 2000 के नोट 21-22 में पिछले साल की तुलना में 55% बढ़े हैं। दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिपोर्ट, करंट रिपोर्ट। सो दिस ऑब्जेक्टिव इज नॉट अचीव्ड। देन कमिंग टू कर्बिंग द टेरर फंडिंग, इंडिया इन्फॉर्म्ड द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमिटी दैट देर इज ए इंक्रीज इन क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्टिविटीज एंड इन जे एन के सिंस द एंड ऑफ 2021। कमिटी इन्फॉर्म्ड दैट देर वर टेरर कैंप्स ऑफ 150 नंबर्स इन 2021। इन सेप्टेम्बर 22 दिस हैड इंक्रीज फ्रॉम 150 टू 225। जो जम्मू कश्मीर में टेरर कैंप थे, जो 2021 में 150 थे, वो 2022 सितंबर तक बढ़ के 225 हो गए। ये भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। मोदी जी, व्हाट ऑब्जेक्टिव यू हैड सर्व? एंड द जीडीपी स्टोरी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा, इन द ईयर व्हेन द डीमोनेटाइजेशन वाज डन, दैट इज इन FY 16-17, द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज 8.3%। इन 17-18 इट गॉट रिड्यूस फ्रॉम 8.3 टू 7%, 8.3 से 7% हो गया। इन 18-19 7% फर्दर रिड्यूस टू 6.1%। इन 19-20 6.1 फर्दर रिड्यूस टू 4.2%। इन 2021 4.2 फर्दर रिड्यूस टू -6.6%। एंड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इट हैड इंक्रीज टू 8.7% प्रिसाइसली ड्यू टू द लो बेस फैक्टर, बिकॉज ड्यूरिंग कोरोना देर इज ए श्रंक इन द इंडियन इकोनॉमी बाई 6.6%। सो बिकॉज ऑफ लो बेस इट गॉट इंक्रीज टू 8.7%। सो GDP इज कंसिस्टेंटली फॉलिंग पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, द टेरर एक्टिविटीज आर कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, फेक नोट्स आर इंक्रीजिंग पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, इंडियाज करप्शन इंडेक्स इज डेटेरियोटिंग पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, ब्लैक मनी इज 14-year हाइएस्ट इन स्विस बैंक्स, पीपुल टॉकिंग अबाउट कैशलेस लेस कैश, रियलिटी इज दैट द मनी करेंसी इन सर्कुलेशन हैड इंक्रीज बाई 72% इन लास्ट 6 years। मोदी जी, वॉट वी हैड अचीव्ड बाई दिस डिमोनेटाइजेशन? ओनली वन थिंग, हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, finishing the MSME sector forever, finishing the unorganized sector forever. Had we achieved this? In this regard, you promised that black money will come, but instead of black money, poverty had come into India. You promised that economy, there will be a cashless, but reality is that economy had become weaker. You promised that small terrorism will be finished, but reality is that small businesses and jobs got finished. आपने वादा किया था टेरर को खत्म करने का, आपने खत्म कर दी नौकरियां और छोटे लघु मध्यम उद्योग धंधे। आपने वादा किया था कि आप इकोनॉमी को कैशलेस बनाएंगे, आपने इकोनॉमी को वीक कर दिया। आपने वादा किया था कि ब्लैक मनी देश में आएगी, ब्लैक मनी तो नहीं आई, पॉवर्टी जरूर देश में, गरीबी जरूर देश में आ गई। इन दिस रिगार्ड वी वुड लाइक टू रेज 4 questions टुडे ऑन द पुण्यतिथि ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉट डिमोनेटाइजेशन। मोदी जी, व्हाई डोंट यू कम आउट विथ ए व्हाइट पेपर ऑन डिमोनेटाइजेशन? वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट वी हैड अचीव्ड एंड वॉट वी हैड लॉस्ट। एंड आई चैलेंज मोदी जी, you had challenged during demonetization that give me 50 days, everything will be all right. More than 150 people died standing in the lines, standing in the queues during the process of demonetization. But I challenge that if I had made any data wrong, then you give, whatever punishment you decide for me, I will bear that punishment. But Modi ji, please accept my request. We don't want to punish you because you are a prime minister of our great country. But you please come out with a white paper of demonetization. Second, that Modi ji, please accept that demonetization was the epic failure that led to the fall in the economy
एंड टू डिस्कस ऑल दिस लेट्स हैव मन की बात टुडे एट 8 PM एंड प्लीज स्टार्ट विथ योर चिर परिचित अंदाज मित्रों आज रात 8 बजे से प्लीज स्टार्ट विथ दैट वी वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू थर्ड प्लान व्हाट इज द प्लान मोदी जी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड MSMEs who had suffered and who had not come out of the mess in last 6 years also. What is the plan of Government of India to take MSMEs and unorganized sector from the problems which they had encountered post-demonetization? Last but not least, Modi ji, post-demonetization, there is a consistent high level of unemployment in the economy. What is your plan to create employment in the economy? What is your plan to stop transmitting or changing India's demographic dividend to demographic disaster? We want to listen from you, Modi ji. Please come today, 8 p.m. Please address the nation on this Punya Tithi because we want to know that what we had achieved and what we had lost in this particular last 6 years post-demonetization. So friends, I am open for questions if you have any, first of all on the subject. And thereafter, we can take few other questions also. भाई मेरे तो भारत सरकार का आंकड़े पे विश्वास करता हूँ क्योंकि मेरे महान देश की सरकार है मैं उनके आंकड़े पे कभी भी डाउट नहीं करता हूँ उन्होंने अपना आंकड़ा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी को भारत सरकार ने दिया कि J&K में जो 2021 में जो 150 टेरर कैंप चल रहे थे 2022 सितंबर तक ये 150 से बढ़ के 225 हो गए ये आंकड़ा या तो मोदी जी आप कह दो हम झूठ बोलते हैं तो मैं वो मान लूँगा क्योंकि मुझे तो मेरे देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है मेरा प्रधानमंत्री जो आंकड़ा देता है मुझे तो विश्वास है आप 150 से 225 बोल दो आप ही ने दिया मैंने विश्वास किया आपने आप भी भारत के नागरिक आप भी विश्वास करेंगे हम तो विश्वास करते हैं हमने तो ये भी विश्वास किया कि 50 दिन बाद सब स्थितियां ठीक हो जाएगी पर हम मोदी जी आपको कोई भी भला बुरा कोई कुछ नहीं कहेगा मैं गारंटी लेता हूं क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा आपको कोई कोड़े नहीं मारेगा मैं गारंटी लेता हूं आपने कहा था मुझे जिस चौराहे पर बुलाओगे वहां मैं आ जाऊंगा नहीं हमें नहीं बुलाना आपको आप अपने घर में ही रहिए घर में बैठ के आज रात को 8 बजे मन की बात कीजिए और बताइए देश को कि हमने 6 सालों में क्या पाया क्या खोया इस नोटबंदी के बाद बताइए देश को कि हमारे देश का MSME क्यों संपूर्ण रूप से नष्ट हुआ बताइए देश को कि क्यों बेरोजगारी नोटबंदी के बाद एक विकराल समस्या बन गई बताइए देश को कि क्यों अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी वो आज संपूर्ण नष्ट क्यों हो गई ये इन सवालों का जवाब दीजिए और आपने 6 ऑब्जेक्टिव बोले थे ब्लैक मनी टेररिज्म फेक करेंसी कैशलेस करप्शन इन 6 ऑब्जेक्टिव्स में से कौन से ऑब्जेक्टिव में आपने क्या सफलता पाई मैंने आपको 6ों का आंकड़ा दिया मोदी जी तो इसलिए जो मैं आंकड़े दे रहा हूँ वो भारत सरकार के आंकड़े हैं जिस पे मुझे और आपको विश्वास करना चाहिए देखिए गुजरात के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और जो हमारे जो वचन है उसमें बेरोजगारी की समस्या एक एक प्रायोरिटी पे उस समस्या का निदान है क्योंकि गुजरात में एक और समस्या है या तो वहाँ पे सरकारी भर्तियाँ निकलती नहीं है निकलती है तो परीक्षा नहीं होती परीक्षा हो जाती है तो पर्चा लीक हो जाता है पर्चा लीक नहीं होता तो उसका रिजल्ट नहीं आता रिजल्ट आ जाता है तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो वहाँ के युवाओं को जो गुजरात की सरकार है उसने ठगा और मेरा तो एक ही बहुत एक 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 छोटा सा सवाल है गुजरात की सरकार से कि ये संयोग है कि प्रयोग की गांधी की भूमि पर सरदार पटेल की भूमि पर आज ड्रग और जो जो नार्कोटिक्स है वो पकड़ा जा रहा है कौन उसके लिए दोषी है आप क्या कर रहे हो इसके लिए जब भी
ड्रग पकड़ने की बात आती है वो गुजरात के पोर्ट पे ही क्यों होता है? ये संयोग है या प्रयोग है बताइए मोदी जी, और उनके मुख्यमंत्री जी से मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि उनको कुछ नहीं पता, उनको तो ये भी नहीं पता वो कल मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, कल हो सकता है कोई नया मुख्यमंत्री आ जाए, तो इसलिए उनको 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 मैं कभी भी कुछ हार्ड क्वेश्चन उनसे नहीं पूछूंगा क्योंकि उनके अधिकार ही नहीं कुछ भी। तो मैं तो आपको यही कह रहा हूं ना कि इस नोटबंदी के बाद जीडीपी ग्रोथ बढ़ी क्या एक बार भी? मैंने तो एक बिल्कुल डाटा के साथ आपसे सवाल पूछा, मैंने तो आपसे देश में क्या बेरोजगारी की समस्या नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है? नोटबंदी के बाद ही तो इसने विकराल रूप लिया, जीडीपी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? नोटबंदी के बाद जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, तो इम्पॉर्टेंट इश्यूज तो यही है देश के सामने। इसके बारे में मोदी जी आए आज शाम को 8 बजे, आप हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मोदी जी, मैं आपको पूरी आश्वासन देना चाहता हूँ, कोई आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई आपको कोई चौराहे पे नहीं बुलाएगा, पर आप देश को बताइए 6 साल में नोटबंदी ने से हमने क्या पाया और क्या खोया? आप देश को बताइए कि 8.3% की विकास दर वाली इकोनॉमी -6.6 पर कैसे पहुंची? बताइए देश को, आइए आज शाम को 8 बजे, बताइए देश को 2% बेरोजगारी दर हुआ करती थी देश में, वो आज 8% के आसपास क्यों बैठी हुई है? बताइए आप देश को। तो हम तो प्रधानमंत्री ने जो दावे किए थे उस समय आपको याद होगा, रोज रोज नया दावा चेंज हो जाता था, कैशलेस, लेस कैश, ब्लैक मनी, करप्शन, फेक नोट्स, टेरर फंडिंग, क्या क्या दावे नहीं किए थे, कौन सा दावा पूर्ण हुआ, कौन सा दावा पूर्ण हुआ? और क्यों सरकार के जो नेता और सरकार के जो नुमाइंदे हर चीज में बड़े बड़े महोत्सव करते थे, करो ना इंडिया गेट पे, हम भी आते हैं, हम भी देखते हैं कि क्या पाया क्या खोया। किया था आपको याद होगा जब पहली बरसी थी तो उनको लगा कि सब लोग देश में भूल जाएंगे, पहली बरसी का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, पर छठी बरसी में भूल गए। हमने तो आपको आंकड़े के साथ पूछा कि 4.25 लाख करोड़ के 2000 के नोट कहाँ है, किसके पास है, किसके पास है? आपके पास है, मेरे जेब में मैंने पिछले तीन साल से एक भी 2000 का नोट नहीं देखा, आपकी जेब में हो तो मेरा प्रणाम जरूर उसको कहना। See, that's what we want to understand. It may be possible that he wants to create, it may be possible, I don't have that evidence on that, and without evidence I don't want to make any statement, but it may be possible that he want to control the entire black money, I don't know. So that's what we want to understand from him, that what we had achieved and what we had lost as a country. And when Prime Minister is there, the Prime Minister is of the entire country. We had an apprehension that it had created monopoly, and that we are seeing that post demonetization there were not 2 people in every industry, but after demonetization prithvi, akash, agni, jal, vayu, sare panchon mahabhoot mein 2 hi log milte hain aur koi teesra aadmi hai, aap bataiye, hawai addo mein bhi wahi, koile ki mines mein bhi wahi, hawai jahaz mein bhi wahi, ship mein bhi wahi, पंडुबी में भी वही, धरती के नीचे तेल में भी वही, कोई तीसरा आदमी है क्या? और अब तो इन दोनों में भी एक चहेता ज्यादा हो रहा है, एक पीछे छूटता जा रहा है। पीछे रहने वाले को सोचना चाहिए कि ऐसी क्या खता हो गई कि वो नाराज हो गए मोदी जी उनसे। वन मिनट, बट इज इट डिमोनेटाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक, देन आई विल कम। That's what I'm saying. It, without evidence, it is. It, we are not having any. We are not liars of that level. हम ये नहीं है यहाँ बोल दे 15 लाख, 2 करोड़, ऐसी बातें नहीं। पर हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, there is an apprehension
there is a suspicion that it had created monopoly in the market. And that is evident. If Modi ji think that that is not correct, 8 baje aaj man ki baat main TV ke samne baithunga. मैं टीवी में सुनूंगा, आप मन की बात बताना. हमें लग रहा है कि इससे मोनोपोली हुई है, हम कह रहे हैं इससे बेरोजगारी बढ़ी है, हम कह रहे हैं इससे अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई है, हम कह रहे हैं चुनिंदा लोगों के पास 2000 के नोट हैं, हम कह रहे हैं. पर अगर हम गलत हैं तो हम आपको सुनना चाहते हैं मोदी जी, आप मौन स्वीकृति मत दीजिएगा इसकी. और इंडिया गेट पर इसका कार्यक्रम रखिए, एक सप्ताह का नोटबंदी पखवाड़ा मनाइए, बड़े बड़े गुब्बारे छोड़िए और फिर उस गुब्बारों को फोड़िए कि ये 500 का गुब्बारा फोड़ा, ये 1000 का गुब्बारा फोड़ा, फोड़िए ये बेरोजगारी, ये रोजगार का गुब्बारा फोड़ा, ये MSME के विकास दर का गुब्बारा फोड़ा, ताकि देश को पता लगे कि जिस तरह ये गुब्बारे फूटे उसी तरह देश की अर्थव्यवस्था फोड़ दी मोदी जी ने. जी मैं कल एक बैंक में गया था, मैंने बैंक मैनेजर से पूछा, मैं 2000 का नोट मैंने 3 साल से नहीं देखा. उसने बोला, यकीन मानिए सर, मैंने भी नहीं देखा. तो मैंने कहा, आप और मैं बराबर लेवल पे है. बिल्कुल. उसने कहा, बिल्कुल. 4.25 लाख करोड़ के 4.28 लाख करोड़ के 2000 के डिनोमिनेशन के नोट्स कहाँ गए? देश ये जानना चाहता है मोदी जी, किनके पास है वो. मैं वो आज वैसी बात नहीं करूंगा कि उसमें चिप है, चिप से पता लगा लो, क्योंकि पहले चिपों की भी बात हुई थी उसमें. चिप से पता लग जाएगा माइक्रो प्रोसेसर में, जैसे टी 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 बोलने लगेगा जहाँ से भी होगा. मैं वो बात पे नहीं आ रहा हूँ आज, क्योंकि ये गंभीर बात है, मजाक की बात नहीं करना चाहता. पर वो नोट है कहाँ पे? एनीथिंग ऑन डिमोनेटाइजेशन इशू? नो. यस मैम. I think our social media team had already answered, and they will give you elaborate answer on this. And I'm not right now interested to give you any response, because they had given one response and they will be giving a detailed response on this. We had a very simple question, that where, what is the outcome of pay CM scheme of 40%? That's all. 40% कहाँ जा रहा है बोमई जी, उसके बारे में बताइए. And that is not something which an opposition party had made this statement. The head of the contractors association had done a press conference and had said कि whatever Karnataka government do, there is a 40% commission in that. तो वो 40% में कहाँ जाता है पैसा? दिल्ली में कितना आता है बोमई जी, बैंगलोर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, कर्नाटक के लोगों को बताइए. और जो कर्नाटक भारत की सिलिकॉन वैली हुआ करता था, जो रोजगार में हमारी सर्विस इंडस्ट्री का हब हुआ करता था, वो अपनी शाइन क्यों खोता जा रहा है, उसके बारे में देश को बताइए. नहीं, अच्छी बात है, पर सवाल एक ही है. ये तो हम इसमें कोई विरोध नहीं कर रहे, पर ऐसा क्यों हुआ कि टेरर की गतिविधियां बढ़ रही है? इसके मूल समस्या का निदान करना पड़ेगा. मैं परीक्षा दे रहा हूँ और मेरी पेंसिल की निब टूट जाए तो आप कह रहे हो कि 5 नंबर में आपकी निब टूटने के कारण ग्रेस दे दूंगा. ये समस्या नहीं है, समस्या ये है कि निब क्यों टूटी और उस निब को कैसे और सुदृढ़ बनाया जाए. तो यही तो प्रॉब्लम है. मोदी जी का जो गवर्नेंस स्टाइल है ना, वो बेसिक प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करता है. वो जो एंसिलरी इश्यूज को एड्रेस करके उसका मीडिया मैनेजमेंट करके बाहर निकलने की कोशिश करता है. ये इसीलिए तो हमारा जो आज जो दो जो हमने जो पॉजिटिव सवाल पूछे कि मोदी जी ये बताइए आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्लान क्या है.
ये आप 2 लाख की आज मेला लगा दिया और 3 लाख की मेला लगा दिया, उससे काम नहीं होगा। 16 करोड़ लोगों के रोजगार हो जाने चाहिए थे आपके वादे के हिसाब से, करोड़ आपकी यूनिट होनी चाहिए, हजार या लाख नहीं। तो ये जो मैं कहता हूँ ना कि आप बेसिक इश्यू को एड्रेस नहीं करके, आप साइड वाले इश्यूज को एड्रेस करके, अखबार की हेडलाइन बना के या टीवी की डिबेट का इश्यू बना के बाहर निकलने का जो प्रयास सरकार करती है, उससे गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित नहीं होता है। तो हम तो ये पूछ रहे हैं, अच्छी बात है देव, पर लोग वहां पर टेरर कैंप बढ़े क्यों? जो 150 थे 2021 में, वो 2022 में 225 क्यों हुए? ये आप ही ने सबमिट किया है रिपोर्ट, इस समस्या का, इस सवाल का जवाब दीजिए, और संसद में भी दीजिए और संसद के बाहर खड़े होके भी दीजिए। Can we take this after the press conference? I will give you individual bite on this. See, question which is there, that who is the beneficiary of these bonds? Is it not correct that 65% to 75% of money which is coming out of this electoral bonds is going to BJP? And why this is going to BJP? There are various evidences, various American-based companies time and again had given, as per their SEC filing, that they had given bribes to the Government of India and Government of India officials. Had Modi government had investigated? US may सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की फाइलिंग में अमेरिकन कंपनीज ने लिखित में ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने घूस दी है भारत सरकार को और भारत सरकार के अधिकारियों को। क्या मोदी सरकार ने, ईडी ने, सीबीआई ने, एसएफआईओ ने, इनकम टैक्स ने उसका स्वतः संज्ञान लेके कोई कार्यवाही चालू की? एंड कमिंग टू योर बेसिक क्वेश्चन, दैट वी हैव टू थिंक दैट वाई 65% to 75% of money which is coming as an inflow from issuance of electoral bond, why it is going to only one party, that is Bharatiya Janata Party? That is the basic question which Modi government should answer. Ki aisa kya hai, kyon companies unhi ko deti hai, aisa kya rishta hai ki unhi ke naam ke bond, unhi ko bond issue karke de deti hai? That is what we want to understand. Okay, thank you. Thank you very much.